हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, बज रहा है 4, और अभी हम लोग इधर बाहरी तरफ बैठे हुए हैं। चारू से चारू इधर खेल रही है दीवार तरफ साइड में। चारू को हम इधर बुला रहे हैं तो आ ही नहीं रही थी, बार बार उधर चल जाती है। तो हम यहाँ पर टूल लेके, जो छोटा वाला कुर्सी है उसी को लेकर बैठे हुए हैं, और मक्का सब इधर है। और थोड़ा अच्छा लग रहा था हमको, तो नहा धोवा लिए थे। और रोड तरफ में सभी कोई रहते हैं, बड़े भैया सब, तो उधर में हमको नहीं बैठने का मन कर रहा था उन लोगों के साथ में। तो हम इधर बाहरी तरफ बैठे हुए हैं, और बाहरी तरफ बैठे तो आज हमारे घर में बनेगा साग वाला पराठा, तो उसी को आज हम बनाएंगे। तो इधर हम बैठे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो नहा लिए थे पानी गर्म करके। और इधर में हम मक्का लगाए हैं, तो मक्का सबको खाने लगा है, ये क्या बोलते हैं, कीड़ा सब। तो थोड़ा सा हम डलसी ले आए थे घर से। और चारों देखिए, जो चूल्हा फूकते हैं वो वाला फूल फूकने वाला पॉप को ले आई है इधर। और बहुत ही अच्छा हवा चल रहा था शाम का टाइम में। तो हम इधर भूल भूल के देख रहे थे, जो साग होता है ये 2-3 तरह का साग होता है, तो वही साग को हम देख रहे थे। और घूम घूम के मक्का सबको देख रहे थे। मक्का सब भी मोरना चालू हो गया है, पानी तो आ ही नहीं रहा है। तो हम चारों तरफ घूम लिए हैं, और सरसों साग ये सब था थोड़ा बहुत जन्मा हुआ, तो उसको भी तोड़ लिए हैं। तो 5 तरह का सागों को मिसा के हम बनाएंगे ये पराठा। और बहुत ही अच्छे हवा चल रहे थे, तो वहाँ से तोड़ने के बाद में हम थोड़ा सा आंगन में आ गए हैं। आंगन में मेरा अच्छा वाला साग है, गंधारी साग, तो इसको भी हम तोड़ लेंगे। और सर्दी तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आज से मेरा तो गला ही चेंज हो गया है। पूरा लग रहा है कि कैसे कोई नर्टी को चीप दिया है तो दब गया है, उस टाइप से लग रहा है। लेकिन कल का वीडियो शूट किया हुआ, आज हम वॉइस डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुनगा का पत्ता भी बहुत ही अच्छे हवा चल रहे हैं, तो हिल रही है। तो चलिए, हम आज तो बनाएंगे 5 तरह का साग। तो चलिए, मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और खाइएगा 5 तरह का साग। तो यहाँ पर चारू भी चल आई है डेगची लेकर साग तोड़ने। ये देखिए और किस तरह से ये साग तोड़ रही है। तो चारू हमेशा साथ में रहती है, तो मन भुलाया सा रहता है, नहीं तो एकदम अकेले रहने से बोर सा, परेशानी सा लगने लगती हूँ। और बैंगन मेरा पूरी तरह तैयार हो गया, इसमें भी मिट्टी डालना है, मतलब कि माटी जो होता है चारों तरफ से चढ़ाना है उसको। तो हम साग को तोड़ के रख लिए हैं घर में, इसको अब धोलना होगा। पानी तो शायद होगा टंकी में, तो चलते हैं टंकी में से में धो कर ले आएंगे। और बैंगन सब फूल देना शुरू हो गया है। तो ये देखिए साग, हम जितना मेरा ज़रूरत था उतना हम तोड़ के ले आए हैं। और गले में तो मेरा एकदम किस तरह से वॉइस डाल रहे हैं, किसी तरह से मैनेज करके बोलने का तो एकदम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो खांसी भी पकड़ लिया है साथ में, तो एकदम आवाज़ पूरी तरह चेंज हो गया है। और चारों को हमेशा देखना पड़ता है, देखिए रोड तरफ को निकल जाती है बार बार, और देखिए यहाँ पर खेल रही कितनी अच्छी सी। और सभी लार जो है चढ़ना शुरू हो गया है, तो इसमें हम लोग को ये झांकी डालना है। तो तबीयत खराब हुआ है तो नहीं हम डालने सक रहे हैं, जंगल जाएंगे तो ही लाएंगे तो डालेंगे हम। तो टंकी से हम साग धो करके ले आए घर, अब चूल्हे सब धराएंगे, उसके बाद ही में बनाएंगे हम। तो ये देखिए धो कर ले आए हैं, और चारों तो बड़ी परेशान हो रही है, रो रही है। तो हम सोच रहे हैं कि चूल्हे को सबसे पहले धरा लेते हैं, उसके बाद में ही चारों को हम दूध पिलाएंगे। यहाँ पर खाटी में बैठा दिए हैं, तो देखिए चूल्हा भी हम लिपाई नहीं किए हैं, तो आज तो कल परसों दिन कर देंगे हम लिपाई। तबीयत खराब हुआ है तो एकदम ठाँ भी नहीं किए हैं, तो करिया पॉप से ही हम लोग धराते हैं। मिट्टी तेल का दाम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो करुआ तेल से, मतलब कि मिट्टी तेल हम लोग का नहीं लेते हैं।
100 से 120 रुपये शायद लीटर हो गया है। तो मम्मी बोलती है कि ये काला वाला पाइप है इसी से धराओ, या तो फिर कोई चीज़ प्लास्टिक होता है बाज़ार से ख़रीदा हुआ तो वही प्लास्टिक से हम धरा देते हैं चूल्हे को। तो चूल्हा मेरा धर गया उधर, और इधर हम चारों को दूध पिला लेते हैं। बहुत ही देर हो गया है जब से हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तब से पीछे पीछे ये घूम ही रही है। और दीदी वाला पैंट को पहन ली है, देखिए बड़ा सा है, लेकिन चारू का पापा पहना दिए हैं कि लो तुम भी इसको पहन लो कहके। तो यहाँ पर देखिए मस्ती से दूध पी रही है। इसको हम दूध पिला लेते हैं, उसके बाद में ही हम बनाएंगे साग को। तो साग को हम इस तरह से महीन महीन काट लेंगे। सभी तरह का साग है इसमें, आपको तोड़ने वक्त नहीं दिखाएं, लेकिन जितने भी मेरे साग हैं सभी तरह का है, और सभी तरह का रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है खाने के लिए। तो आलू इसमें हम नहीं फेंटेंगे, सिर्फ मेरा छुच्छे साग ही रहेगा। और चूल्हा तो धर ही गया है, इधर में हम कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। और कढ़ाई को मेरा चेंज करना है, लेकिन ठठेरा जो बोलते हैं वो लोग नहीं आ रहे हैं इधर गांव तरफ, तो आएंगे तो हम चेंज कर ही लेंगे। दिखने में बहुत ही ख़राब दिखता है, वैसे तो सब्ज़ी गिरता नहीं है, सभी कुछ के लिए ठीक ही है, लेकिन पकड़ के उतारने के लिए अगर सब्ज़ी बना देते हैं तो पकड़ के उतारने के लिए हमको दिक्कत होता है। तो इसी चलते हम सोच रहे हैं कि काही को चेंज ही कर दें। तो चारों के पापा भी बोलते हैं कि चेंज कर दो, और इससे थोड़ा सा हल्का बड़ा ले लेना ताकि अच्छा लगेगा कोई भी चीज़ बनाने के लिए। तो हम तेल डाल दिए हैं, और यहाँ पर हरा मिर्चाई है और लहसुन, तो इसी का हम फ़ौरन डालेंगे। तो यहाँ पर मेरा फ़ौरन जल रहा है, उसी के साथ में हम 2 हरा मिर्चाई दे देंगे, और फ़ौरन को हम पूरी अच्छे से जलने देंगे तो ही हम साग को डालेंगे। तो यहाँ पर हम साग को भी डाल दिए हैं, इसको भी हम पूरी तरह से गलने देंगे, और नमक अभी भी डाल सकते हैं। तो हम अभी चला के हल्के सा दे देंगे और अच्छे से इसको ढक देंगे। तो आप सभी का कमेंट आता है कि सोना जी आप मंदिर क्यों नहीं जाते हैं पूजा करने सावन के दिन में? तो अभी तो नहीं, सोमवार या मंगलवार को हम लोग जाएंगे मंदिर, और चंदवे का जो मंदिर है वो आप सभी को हम बताएंगे कि हम लोग का कितना दूर में पड़ता है और कितना अच्छा मंदिर है और पहाड़ी जगह में है। तो यहाँ पर हम देखिए साग मेरी पूरी तरह गल गया है, तो उधर हम साग को थास लेते हैं, और एक तरफ हम अधन भी बैठा दिए हैं। मेरा 2 मुंह वाला चूल्हा है, तो अधन उधर भाग रहा था तो हम उधर अधन भी बैठा दिए हैं। तो आटा भी मेरा ख़त्म ही हो गया है, तो 2 से 4 बनेगा मेरा रोटी। तो यहाँ पर हम आटे को नमक डाल के और इसको हम सान लेते हैं अच्छे से। तो साग को तो हम उतार ही लिए हैं, तो यहाँ पर हम आटे को मिक्स कर लेंगे पूरी अच्छे से सान के, और इधर हम चावल भी डाल दिए हैं, इधर चावल भी बन जाएगा। 4 रोटी से तो नहीं बनेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग 4 से 5 परिवार हैं। तो देखिए इतना छोटा सा मेरा गोला बना है, तो हम 3 से 4 बना देंगे। तो देखिए सभी को हम गोल गोल अपना साइज में कर लेते हैं, जितना को मेरा बन जाएगा। तो बर्तन भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो तेल के ही मदद से हम ये कटोरे बना ले रहे हैं, और इसमें हम साग को थोड़ा ज़्यादा डाल दिए थे तो ये फट गया था। तो देखिए इस तरह से हम इसको मूंद लेंगे और इसको फिर से रफ़ कर देंगे। तो टोका हो गया थोड़ा सा मेरा, वो देखिए। तो बेल, आप इसको बेल के भी बना सकते हैं, या तो फिर आप हाथ के ही मदद से बना सकते हैं। तो एक आप सभी को हम बेल कर बताएं, और आप यहाँ पर हम सभी को इसी तरह से हाथ के ही मदद से छोटे छोटे बना देंगे ताकि बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए साग उसका तो फट या निकल गया है, तो इस लोग को हम इसी तरह से बनाएंगे। तो उसको हम निकाल दिए हैं और एक को डाल दिए हैं, तो ये देखिए 3 है मेरा, और फिर से एक को हम यहाँ पर डाल देंगे। और देखिए इसमें हल्के हल्के तेल डाल देने से बहुत ही अच्छे से ये फुला फुला सा बन जाता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गया। तो चलिए
अब आप सभी को हम चेक करके भी बता देते हैं। तो यहाँ पर हम दो हरा मिर्चाई लिए हैं, मिर्चाई के साथ में भी खा सकते हैं या तो फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है, फूला फूला सा है। तो ये दोपहर का टाइम है, बज रहा है 2 और हम अभी सोकर उठे हैं। चारू किसी को देखकर आई है इस तरह का कपड़ा पहना हुआ, तो आई और हमको पहनाने के लिए बोल रही थी। ये जो ओढ़नी है उसको तीर कर ले गई और बोल रही पहना दो। तो देखिए चारू को हम पहना दिया और किस तरह से दिख रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ब्लॉग को हम इतने रखते हैं, बाय बाय।